वेल, आप लोगों को मैं बता रहा था मैं कल रात बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। वो मैं क्यों हुआ वो मैं अभी आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैंने कहा बैठ जाए जरा है। Check the mic and make sure it sound right, boys. Assalamualaikum guys, finally I'm come back after Taravi and आज के इस ब्लॉग में खुश आमदीद कहते हैं आप लोगों को। This is your boy Mohammed Mohsin, boy from Pakistan, love from Lahore. शार बरेजा अब हमारी यू नो उसमें है, रग रग में। एनीवेज मेरा लैपटॉप रेडी हो चुका है, मेरा जूस भी आ चुका है। एक्चुअली मम्मा ने खजूर शेक बनाया था, बट एक्चुअली अफ्तारी के अंदर ना हम पी नहीं सकते, दिल करता है पानी यहाँ से जाता रहे, गुजरता रहे, पर पेट में ना जाए, पेट भर जाता है यार, नहीं दिल करता। एनीवेज ये परफ्यूम मेरा ख़त्म हो चुका है, मैं इसको लगा रहा था लाइक दिस, लाइक आपको नज़र भी आ रहा होगा, बट ट्रस्ट मी नो स्मेल, क्योंकि ये ख़त्म हो चुका है। मैं पहले पहले परेशान, मैंने कहा यार मुझे स्मेल नहीं आ रही, टेस्ट आ रहा है, स्मेल नहीं आ रही, मैं कोरोना तो नहीं है, बट नहीं अल्हम्दुलिल्लाह अब मुझे पता लगा ख़त्म हो चुका है भाई। इसके अंदर सिर्फ गैस निकल रही है जिसकी स्मेल कोई भी नहीं है, अदरवाइज इसको लगाते थे तो पूरे घर में खुशबू फैलती थी और मैं एक दफ़ा तो परेशान हो गया। एनीवेज अब आज वाला व्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी हमने कल वाले व्लॉग की एडिटिंग करनी है। आज देखते हैं ये व्लॉग कब तक हमारा अपलोड होता है, जब तक भी अपलोड होगा फिर उसी तरीके से रूटीन चलती रहेगी। ठीक है, आप फेरा तोड़ा करें, पेट आपका बहुत भरा हुआ है ना, है ना। व्लॉग टू के अंदर और हमेशा कहते हैं टेकिंग द फर्स्ट स्टेप इज़ ऑलवेज द हार्डेस्ट, और रात को फर्स्ट व्लॉग अपलोड कर दिया। पहले तो मैं बहुत परेशान हो गया, और वो भी मैं बताऊंगा मैं क्यों परेशान हुआ, लेकिन उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मामला सॉर्ट आउट हो गया। वेल अगर मैं आप लोगों को ये बताऊं कि इस वक्त हालात क्या है, तो हालात इस वक्त हैं कि सहरी जो है वो हो चुकी है अगेन। मैं आज भी थोड़ा सा लेट उठा, वरना सहरी के भी कुछ मैं फुटेज रिकॉर्ड करता, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका। और कल का रोज़ा जो था माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजर गया था, लेकिन लास्ट पे जाके एनर्जी थोड़ी लो हो गई थी। ऑब्वियसली बनता है भाई, सुबह क्या भूखे प्यासे हो, लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आपको इससे तकवा मिलता है, आप इसको इससे आप लोगों को दूसरों की भूख का एहसास होता है। तो वो सब चीज़ें जब आप देखते हो तो आप कहते हो हाँ यार ये भूख तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, वेल अगर अभी की बात की जाए तो अभी की बात ये है कि अभी मैं अगेन सोने जा रहा हूँ, बिकॉज़ रात को मैं थोड़ा सा लेट सोया था। मैं तकरीबन सोया था तकरीबन 1:30-2 बजे। वेल पिछला व्लॉग जब मैंने अपलोड किया तो जब मैंने उसको खुद सुना, एक दफ़ा खुद देखा, तो उसके अंदर मैंने नोटिस किया कि घर वालों के पीछे आवाज़ें आ रही हैं, आपने उनको काइंडली इग्नोर करना है, क्योंकि हम इनको छोड़ तो सकते नहीं और इन्होंने तो हमें बिल्कुल नहीं छोड़ना। सिमिलरली एक शॉट था जिसके अंदर मैं बोल रहा हूँ और लिटरली गली से आवाज़ आ रही है झाड़ू लगाने की, आई वाज लाइक क्यों, मतलब जब मैंने व्लॉग स्टार्ट करना है तभी सबको कामयाब आने वाह। जो भी है भैया जी, अब हमें सोना है थोड़ी देर के लिए, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी टास्क में तकरीबन 12-1 बजे सो के उठेंगे उसके बाद, सही है। Hey guys, finally it's raining here. एक मिनट, आज यहाँ पे भी बारिश हो रही है, बारिश के बहुत इम्कान थे नहीं, बट अचानक से मैंने बिजली कड़कती देखी और उसके बाद बारिश स्टार्ट हो गई। अंदर अपने बेड पे लेटा हुआ था बट मुझे एक आवाज़ आई, हुई बारिश हो रही है, सारे उठ के बाहर चले गए, बिकॉज वी लव रेन अल्हम्दुलिल्लाह। सो गाइस आज मौसम माशाल्लाह बहुत अच्छा है, रोज़ा माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। थोड़ी देर में आपको मैं अपडेट्स देता हूँ सारी की सारी, लेकिन उससे पहले आपको मौसम चेक करवा लूँ, ज़रा चेक करें वो साहब बादल हुए हैं। एंड आपको तो पता है आई लव रेन। शहरी के बाद जब मैं सो गया था तो उसके बाद अचानक जब बारिश हुई तो मैं उठ के बाहर चला गया, मुझे नहीं पता था क्यों, आगे दोबारा लेट गया। उसके बाद मैं उठा हूँ अभी 12:15 बजे, घर के थोड़े बहुत काम थे, आटा वगैरह चक्की भी देना था, हम लोग एक्चुअली हैं देसी फैमिली, बस थोड़ा सा पढ़ लिख गए बात। अच्छा मुझे कैप पहनने की आदत नहीं थी, एक दो दिन कैप पहनी है तो मुझे अच्छा लगा कि मैं कैप में सही लग रहा हूँ और बाल वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो मैंने कहा बस ठीक है कैप पहनी रखो। अच्छा कभी मैं यहाँ देखता हूँ कभी मैं यहाँ देखता हूँ, क्योंकि कैमरा इस साइड पे है तो अभी आदत नहीं है ना व्लॉगिंग की, आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगी इधर देखने की। वेल आप लोगों को मैं बता रहा था मैं कल रात बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, वो मैं क्यों हुआ वो मैं अभी आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैंने कहा बैठ जाए ज़रा है। अच्छा कल रात को परेशान मैं इसलिए था, मैंने पूरा व्लॉग एडिट किया और जब रेंडरिंग पे लगाया, रेंडर भी हो गया, तो मैंने एक दफ़ा उसको रिव्यू किया तो साउंड ही नहीं आ रहा, ऑडियो ख़त्म, आवाज़ ही नहीं आ रही, एंड आई वाज लाइक क्या यार इतनी मिनट, 15 मिनट का व्लॉग और मुझे तकरीबन 1.5 घंटे लग गया उसको एडिट करने में, फिर भी आवाज़ नहीं आ रही, मुझे तो बड़ा मसला हो जाएगा। एक दफ़ा तो मैं परेशान हो गया, मैंने कहा मेरा चैलेंज जो है ना पहले दिन ही ख़राब हो जाएगा, और मैं हर जगह लगा चुका था, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, हर जगह स्टेटस लगा चुका था कि थोड़ी देर में मेरा व्लॉग आ रहा है और बहुत सारे लोगों ने देख भी लिया था, मैं बड़ा परेशान हो गया था एक दफ़ा, लेकिन वो शुक्र है फिर एक दफ़ा मैंने दोबारा उसको जो रेंडर हुआ मेरे पास आया था उसको मैंने डिलीट करके दोबारा उस ब्लॉग को एक्सपोर्ट करके दोबारा रेंडर किया, तो शुक्र है ऑडियो खुद ही आ गई,
तो मैंने कहा ये भी शुक्र है वरना बहुत मसला हो जाना था। और एक बात और यार, मसला हो गया था कल वाले व्लॉग में, मैंने थंबनेल नहीं लगाया था। आज मैं थंबनेल के लिए अभी कोई फ़ोटो क्लिक कर लूँगा। और सबसे बड़ी मेन चीज़ ये थी कि मैंने उसको लैपटॉप से अपलोड नहीं किया था, मैंने मोबाइल से अपलोड किया था, जिसकी वजह से मैं थंबनेल लगा ही नहीं सका था। वो लैपटॉप में ऑप्शन आ जाती है। खैर आज देखेंगे कैसे हम लोग अपलोड करते हैं। बट आई लव दिस वेदर यार। सो गाइस फाइनली जोहर की नमाज़ भी पढ़ ली गई है, जोहर की नमाज़ का वक्त हो गया था। उसके बाद जनाब धूप निकल आई है यार, मतलब समझ नहीं आ रही क्या चल रहा है, लेकिन कोई नहीं, सो फार सो गुड। रोज़ा तो अच्छा चल रहा है अभी तक, एनर्जी भी है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने आपको कल भी बताया था एनर्जी जो है ना वो असर के बाद उसे डाउन होनी शुरू होती है, क्योंकि वो जो आखिरी वाले दो घंटे इतने यार वो निकलते ही नहीं जल्दी। सो गाइज अभी जोहर की नमाज़ के बाद अभी टाइम हो रहा है 2:45, हाँ 2:45 हो रहे हैं। असर की नमाज़ में भी टाइम है और सोने की नाकाम से कोशिश कर रहा हूँ लेकिन नींद नहीं आ रही। ऑनलाइन क्लास भी लेनी है, दिल नहीं कर रहा, ये बस होता है कभी कभी ऐसे। एंड आई थिंक मुझे एक मूवी देखनी चाहिए कोई यार। मूवी जब मैं कहता हूँ ना मैंने मूवी देखनी, कोई अच्छी चीज़ मिलती नहीं मुझे। एनी वेज आई लव माई मोचे, आई मीन मोक्षा। सो गाइस 4:30 हो गए हैं, 5 बजने वाले हैं, उसके बाद तकरीबन 1.5 घंटा रह जाएगा। अभी 2 घंटे तकरीबन रह गए हैं, 4:30, 5:30, हाँ बस तकरीबन 2 घंटे रह गए। एनी वेज बताना आप लोगों को, आज का व्लॉग मुझे लगता है काफ़ी छोटा बनेगा बिकॉज मैंने कुछ ज़्यादा फुटेज कैप्चर नहीं की है, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा थोड़ी सी फुटेज जो है मैं कैप्चर कर लूँ। इस्लामाबाद में बारिश हो रही है, लाहौर में अच्छा खासा मौसम था, बट अभी धूप निकल आई है एंड आई हेट धूप। मतलब ऐसा नहीं है गर्मियों में धूप नहीं पसंद, मुझे पसंद ही नहीं है, मतलब आई डोंट नो व्हाई। मतलब ये भी नहीं है कि सारा साल वो छांव वाला मौसम है, वो भी अच्छा नहीं लगता। पाकिस्तान आपको पता है अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत है जहाँ पे 4 मौसम है। तो यस, खैर मेरे कुछ फैमिली मेम्बर्स हैं कोयटा में, उन्होंने मुझे बताया कल फ़ोन आया था घर पे कि वहाँ पे सर्दी है। एंड आई वाज अमेज्ड, मैंने कहा है सर्दी है यार लाहौर में, इतनी गर्मी हो रही है। और उनके लिए तो रोज़ा माशाल्लाह काफ़ी आसान होगा रखना। एनीवेज जी हम लोग अभी क्या करते हैं, क्या करना, कुछ भी नहीं यार, नींद भी नहीं आ रही, मूवी देखने को भी दिल नहीं कर रहा। मूवी यार मैंने निकाली है 1-2 मूवीज़, बट मुझे पता चला मैंने वो मूवीज़ देखी हैं, पसंद नहीं आ रही है। यूट्यूब पे ज़्यादा मूवीज़ वैसे भी कोई अच्छी है नहीं इतनी खास, पुरानी मूवीज़ हैं उनमें ज़्यादातर मैंने देखी हुई हैं। और मतलब लोग पता नहीं इतनी सारी मूवीज़ कहाँ से निकाल लेते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है हर दूसरी मूवी मैंने देखी हुई है और तकरीबन सबकी स्टोरीज़ भी सेम है, मतलब मुझे ऐसा लगता है। सो यस, मैं आप लोगों से एक बात शेयर करता हूँ। कल रात को मेरे लैपटॉप पर जब मैंने एडिटिंग कम्प्लीट की अपनी, तो मेरा लैपटॉप काफ़ी गर्म हो गया, इतना गर्म कि मैंने इसको फिर ज़मीन पर रखा। और मैं भी तो ऑब्वियसली इसके साथ बदतमीज़ी कर रहा था ना, इसको बेड पर रख के एडिटिंग स्टार्ट कर दी मैंने, दैट्स रॉन्ग। फिर उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि वो जो मसला आया था ना ऑडियो वाला, वो इसी वजह से आया था कि लैपटॉप हीटअप हो गया, उसने अच्छे से प्रोसेस नहीं। हीटअप का इससे क्या ताल्लुक है, छोड़ो यार। वेल, इस लैम्प की स्टोरी आपको बताता हूँ। ये लैम्प मेरा एक दोस्त था, उसकी बहन की मंगनी थी और उसने मुझे बुलाया था एज अ फोटोग्राफर। देन ही गेव मी सम मनी, उससे मैंने ये ख़रीदा था अपनी पहली कमाई। तो जब मुझे पैसे मिले तो मैंने सोचा यार मैं कुछ खाता हूँ, फिर मैंने सोचा यार खा लेंगे, वो खा लिया एक दफ़ा फिर ख़त्म। तो कोई मटीरियलिस्टिक चीज़ लेते हैं जो जिसका फ़ायदा भी हो। ऑल दो इसका मुझे बहुत फ़ायदा है, वो फ़ायदा सिर्फ ये कि डेकोरेशन चलाता तो मैं उसको बहुत कम हूँ, लेकिन ये है कि बड़ी अच्छी लगती है, एक रूम की ना शेप निकल आती है लाइक यू नो। सो गाइस इट्स टाइम फॉर नमाज असर, असर की नमाज़ पढ़ लें उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। सो गाइस मैं लेटा हुआ था और एक मिनट फ़ैन की आवाज़ आ रही थी, एक दो पीछे फुटेज निकाली है एक दो शॉर्ट्स में, फ़ैन की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा आ गई। एनीवेज अफ्तारी का टाइम हो रहा है, तकरीबन 10 मिनट रह गए हैं, तो हम ज़रा रेडी हो जाएं, मिलते हैं आप लोगों से अफ्तारी के बाद, अफ्तारी के बाद ब्लॉग की एंडिंग करेंगे। तो आज अफ्तारी का टाइम जो है वो है 5:34, हाँ जी तुसी बोल लो,
और 5:30 जो है वो हो चुके हैं, यानी कि 5 मिनट ही रह गए। तो चलो नीचे चलते हैं। मैं ज़रा वैसे छत पे आ गया था, मैंने कहा चलो ज़रा तुसी सर उन्होंने तो बोलना लाजमी है। इस साइड पे आसानी हो रही हैं, मतलब वो उनसे 4 मिनट आगे, हालांकि ज़रा दूर तो नहीं मुझे नज़र आ रहा मस्जिद का मीनार। सो फाइनली गाइस आई एम हियर आफ्टर द नमाज ऑफ मग़रिब। अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तारी कंप्लीट हो गई है और इट्स टाइम टू एंड द व्लॉग। मैं मानता हूँ यार अभी आज के व्लॉग में कुछ ज़्यादा खास नहीं था, इवन कल का व्लॉग इससे ज़्यादा लंबा था। अभी मैं एडिट पे नहीं बैठा तो मुझे नहीं पता ये व्लॉग कितना लंबा जाएगा, बट मुझे यही लग रहा है कि ये व्लॉग उससे भी छोटा होगा, आई डोंट नो। हाँ लेकिन कल के व्लॉग में इंशाल्लाह हम इसके अंदर और एडिशन करेंगे, कुछ चीज़ें लेके आएंगे या कुछ नई चीज़ें करने की ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना अपने गिरदे नवा के लोगों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल और दुआ में रखिएगा, मुझे भी याद अपने पेरेंट्स का कीजिएगा बहुत ज़्यादा एहसास और ख्याल। तब तक के लिए मुझे इजाज़त, मिलेंगे कल। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। और बस आई होप आप लोगों को व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं यार, ठीक है। और सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट यू नो।